दिल्ली के बिल्डिंगों में ऐसे अनगिनत राज हैं जो कि अपने आप में एक रहस्य पैदा करते हैं। हम आज आपको एक ऐसी ही खुफिया बिल्डिंग और एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं, फिरोज शाह कोटला किला, जिसे 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। उस समय उन्होंने दिल्ली के पांचवें शहर की स्थापना की थी। किले के अवशेषों के साथ साथ जामा मस्जिद और अशोक स्तंभ के बचे अवशेष भी फिरोजाबाद में स्थित हैं। अगर इस किले के बारे में मैं आपसे और बातें करूं तो ये है कि लेकिन आज तक इस किले को ये पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। इस किले को लोग भूतिया किला कहते हैं क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ गुरुवार की शाम में मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती दिखाई देती हैं। दूसरे दिन किले में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज भी रखा दिखाई देता है। ये घटनाएं अक्सर होती हैं। इस गुत्थी को अभी तक नहीं समझ सका कोई भी, क्योंकि ये किला शाम को बंद हो जाता है तो रात में ऐसा आखिर कौन करता है। इसके चलते किले को भी भूतिया किला कहा जाने लगा। लोगों का ऐसा विश्वास है कोटला, फिरोज शाह कोटला में जिन रहते हैं और उनसे जो भी मांगा जाए वो वही मिल जाता है। हर गुरुवार को किले में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वो अगरबत्ती, दीद, दूध, दिए और कई तरह के अनाज लेकर आते हैं। हालांकि इस किले के संरक्षण की जिम्मेदारी निभा रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे लोगों का अंधविश्वास मानता है। साथ ही लोगों को इस ऐतिहासिक इमारत को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी करता है। उनका मानना है कि अंधविश्वास की वजह से इमारत को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगरबत्ती और दिए के धुएं से इमारत गंदी होती है। साथ ही अनाज, फल, दूध जैसी चीज़ें चढ़ाने से यहाँ चूहों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चूहे इमारत की नींव कमज़ोर करते हैं। लोगों को इस अंधविश्वास के कारण इमारत के पिछले 40-50 साल से नुकसान हो रहा है। अब इन बातों में किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक नहीं, लेकिन ये जगह किसी न किसी तरीके से भूतिया ज़रूर मानी जाती है, क्योंकि इसके बारे में जो अनगिनत लोगों ने वहाँ के आसपास मौजूद किस्से बनाती है और बातें शुरू हो चुकी हैं, तो उसके चलते तो शायद यही लगता है कि यह किला कहीं ना कहीं अपने अंदर कई सारे राज छुपाए रखता है। क्योंकि आखिर जब किला शाम के वक्त में बंद हो जाता है तो आखिर इस किले के अंदर कौन दूध और अनाज छोड़ के जाता है और कौन इस किले को अंदर मोमबत्तियाँ जलाता है। बहुत सारे सवाल हैं इस किले के पीछे। शायद अपने आप में ही ये किला एक रहस्यमयी है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मिलेंगे आपको हमारे शोज की सारी लेटेस्ट अपडेट। सो कीप वॉचिंग।